अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम आए थे उठे मॉल और प्रॉपरली ये ब्लॉग एंड वीडियो जो है तो वो मैंने मैक स्टोर पर बनाया है। मैं गई थी वहाँ पर, मैंने प्रॉपरली एक विजिट किया था वहाँ का। मैंने कोई शॉपिंग तो नहीं करी थी क्योंकि मैं शॉपिंग के पर्पज़ से बिल्कुल भी नहीं गई थी, क्योंकि इधर बहुत जल्दी जल्दी मैंने बहुत सारी शॉपिंग कर ली है। तो अभी तो हाल फिलहाल मैंने फिर स्टॉप किया है शॉपिंग पर। तो बस ये मेरी जो बेटी है तो ये बहुत ज़्यादा नॉटी हो गई है, और इसको तो बस अभी जैसे ये बड़ी हो रही है ना, तो इसको रोज़ बस घूमना है। और जैसे ही बस इसके पापा आते हैं तो वो उनसे यही बोलती है कि मुझे आप बाहर लेके चलो, मुझे घूमना है, इंजॉय करना है। तो बस मेरे घर के पास ही है ओथेम मॉल, तो हम सब आ गए थे ओथेम मॉल। हमारा ऐसा कोई प्लान तो नहीं था घर से बाहर जाने का, और हस्बैंड थोड़ा जल्दी आ गए थे तो उन्होंने रेस्ट भी कर लिया था। और फिर बेटी ज़िद करने लगी तो वो बोली चलो ठीक है चलते हैं, और मेरे घर के पास ही ये ओथेम मॉल था तो बस हम यहीं आ गए थे। ओथेम मॉल में बच्चों के लिए उन्होंने प्रॉपरली प्ले लैंड एरिया बनाया हुआ है, एंड वहाँ पर बहुत खूबसूरत खूबसूरत से उन्होंने झूले दिए हुए हैं बच्चों के लिए, मतलब छोटे बच्चों के लिए भी हैं एंड जो बड़े बच्चे हैं तो उनके लिए भी बहुत खूबसूरत झूले हैं। तो सबसे पहले हम गए थे प्ले लैंड एरिया की तरफ, और वहाँ पर बस बेटी बेटी मेरी जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। तो मैं अपने हस्बैंड से बोला कि चले ठीक है आप लोग यहाँ पर इंजॉय करें, और मैं जाती हूँ फर्स्ट फ्लोर पर। और वहाँ पर रेड टैग भी है, सेंटर पॉइंट भी है, R&B कलेक्शन भी है, H&M भी है, और मैक्स सेंटर भी है। तो मैंने कहा चले ठीक है मैक्स का विजिट करती हूँ और सभी कुछ एक्सप्लोर करती हूँ यहाँ पर कि विंटर का यहाँ पर क्या कलेक्शन आया हुआ है, क्या इनका न्यूली कलेक्शन है। एंड जितना भी इनका विंटर का न्यूली कलेक्शन आया हुआ था तो उस पर भी तो कोई उन्होंने सेल नहीं दी हुई थी, एंड कोई उनके रिजनेबल प्राइस भी नहीं थे। और जो भी इनका न्यूली विंटर कलेक्शन आया हुआ था तो उस पर प्राइस जितने भी मेंशन थे तो वो हाई लेवल पर ही थे। और वैसे भी जो मैक सेंटर है तो उस पर आप मतलब कोई एक छोटी सी छोटी चीज़ भी आप लोगे ना तो उसके प्राइस वैसे भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे होते हैं। एंड जो इनके ऑफ़र प्राइस आते हैं, सेल प्राइस आते हैं इनके, तो वो अच्छे खासे रीजनेबल प्राइस भी होते हैं, और बहुत अच्छे प्राइस में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इनकी अवेलेबल होती हैं। एंड इधर इनका हेयर बैंड्स पे बहुत न्यूली कलेक्शन आया हुआ था, ये गोल्डन्स भी बड़े प्यारे लग रहे थे, और इसका एक वाइट कलर भी था बड़ा प्यारा लग रहा था, एंड ब्लैक कलर में भी ये सारे हेयर बैंड्स बहुत अच्छे लग रहे थे। इधर ये डिज़ाइनर नेकलेस लगे हुए थे एंड इनकी डिज़ाइन जो थी ना तो वो बहुत सोबर एंड सिंपल थी। सो इनके इस मैक्स स्टोर पर मुझे बिल्कुल भी रश देखने को नहीं मिला था, और वैसे भी आज वीकेंड नहीं था, और अगर वीकेंड होता भी है तो वीकेंड में भी मैंने विजिट करा है तो इतना कुछ खास ही यहाँ पर रश नहीं होता है। अकॉर्डिंग जैसे कि इसके जस्ट पास में ही, मतलब जस्ट बगल में रेड टैग है और सेंटर पॉइंट है, R&B कलेक्शन है, HM है, तो वहाँ पर अच्छा खासा रश देखने को मिलता है। और स्पेशली रेड टैग में बहुत अच्छा रश देखने को मिलता है, क्योंकि अच्छा रश के साथ साथ जो उनके सेल प्राइस भी होते हैं या अदर उनके प्राइस भी होते हैं ना, तो वो काफ़ी रीज़नेबल प्राइस भी होते हैं, और चीज़ें भी वहाँ की बहुत अच्छी होती हैं। इन सारे स्टोर्स के जितने भी डेकोरेटेड आइटम्स होते हैं, होम डेकोर से रिलेटेड या रूम से रिलेटेड या वॉशरूम एरिया से रिलेटेड जो भी इनके डेकोरेटेड आइटम होते हैं ना, तो वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। जैसे कि ये मैक्स स्टोर हो गया या रेड टैग हो गया, रेड टैग में तो इतना देखने को नहीं मिलता है, और जैसे कि सेंटर पॉइंट है वहाँ पर बहुत सारे इनके होम डेकोर से रिलेटेड बहुत सारे आइटम्स देखने को मिलते हैं, एंड बहुत ब्यूटीफुली आइटम्स देखने को मिलते हैं। और सेंटर पॉइंट के बाद ये इनका मैक्स स्टोर है, तो यहाँ पर भी बहुत सारे डेकोरेटेड एंड बहुत ब्यूटीफुली एंड स्टाइलिश आइटम्स देखने को मिलते हैं। एंड जितने भी ये सारे डेकोरेटेड आइटम्स रखे हुए थे तो बस कुछ ही आइटम्स पर इन्होंने सेल प्राइस दिए हुए थे, अदरवाइज इनके रियल प्राइस ही इन पर सारे मेंशन थे। सऊदी अरेबिया में मैंने जितने भी स्टोर्स अभी तक विजिट करे हैं, जैसे कि जितने भी ये स्टोर्स होते हैं, रेड टैग है या सेंटर पॉइंट है, XYZ, मतलब सभी कुछ है, जितने भी स्टोर्स आते हैं, ब्रांडेड स्टोर्स आते हैं, तो जो उनकी क्वालिटी होती है ना तो वो बहुत ज़्यादा औसम होती है, और इस तरह की जो क्वालिटी होती है ना तो वो कहीं जल्दी देखने को नहीं मिलती है। एंड अभी ये नवंबर चल रहा है और दिसंबर के स्टार्टिंग में, मतलब आई थिंक फर्स्ट वीक में ही सेल लगना स्टार्ट हो जाती है जितने भी ये ब्रांडेड स्टोर होते हैं, तो हर स्टोर पर जो है ना वो सेल इन्होंने लगा दी होती है। मैंने लास्ट टाइम भी चेक करा था और मैंने कुछ ही स्टोर पर विजिट करा था तो मुझे बहुत अच्छे सेल प्राइस में मुझे बहुत सारी चीज़ें मिल गई थी। तो बस मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि इनकी सेल प्राइस कब आए और ये सेल कब लगाए तो मैं विजिट करूँ और फिर बहुत सारी शॉपिंग करूँ। वैसे तो यहाँ पर शॉपिंग करने का कोई दिन ही नहीं होता है, और जब भी मैं जाती हूँ शॉपिंग करने के लिए तो अगर मैं नहीं भी सोच कर जाती हूँ ना तो शॉपिंग हो ही जाती है, मतलब कुछ ना कुछ मैं लेकर आ ही जाती हूँ।
और यहाँ पर मैंने एक बात नोटिस भी करी है कि जिस स्टोर पर भी मैं विजिट करती हूँ, जाती हूँ शॉपिंग के पर्पज़ से, या मैं विजिट भी करती हूँ, तो मैंने एक बात ये नोटिस करी है कि यहाँ पर इतना मोर देन कलेक्शन होता है। मतलब हर एक आइटम्स का इतनी मोर देन वैरायटी होती है ना, कि ना चाहते हुए भी बंदे को कुछ ना कुछ पसंद आ ही जाता है और फिर शॉपिंग हो ही जाती है ना चाहते हुए भी। इधर इस रैक पे इनके बहुत ज़्यादा स्टाइलिश थे एंड बहुत यूनिक स्टाइल में इनके पर्स लगे हुए थे, और मुझे सबसे प्यारा कलर ये लग रहा था, पर्पल कलर। और पर्पल जो कलर होता है ना, तो वो बहुत कम देखने को मिलता है, मतलब रेड है, ब्लैक है, ब्राउन है, वाइट है, या इस तरह के जो भी कलर होते हैं ना, तो वो बहुत कॉमन से होते हैं और देखने को भी मिलते हैं। बट ये जो पर्पल, लाइट पर्पल कलर होता है ना, तो ये बहुत कम देखने को मिलता है एंड बड़ा स्टाइलिश था, बड़ा क्यूट सा ही मुझे पर्स लग रहा था। बट मुझे अभी पर्स लेना नहीं था, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जो अभी शॉपिंग करी थी पर्स की, तो मैंने बहुत सारे पर्स ले लिए थे, और मैंने गिफ्ट के पर्पज़ से भी पर्स लिए थे, और उसमें मैंने अपने लिए 2 पर्स बाय किए थे। तो फिलहाल तो जो भी पर्स की शॉपिंग है, तो मैंने फुल स्टॉप करी हुई है। एंड जिधर भी मेरी नज़र जा रही थी, तो बस उधर ही मुझे सारा विंटर का कलेक्शन ही देखने को मिल रहा था। और फिर जब मैं जैसे आगे बढ़ी, तो ये इधर बहुत क्यूटी से एंड बहुत लाइट शेडेड में इन्होंने यहाँ पर पिलो रखे हुए थे, एंड इतने ब्यूटीफुली से ये पिलोज लग रहे थे ना। एंड जितने भी ये सारे पिलोज रखे हुए थे, तो उनकी स्टार्टिंग प्राइस थी 22 सऊदी रियाल एंड लास्ट 50 रियाल तक इनके यहाँ पर पिलोज रखे हुए थे। तो इनका जो कलेक्शन था पिलोज का, तो वो बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन आया हुआ था। एंड इधर ये किचन से रिलेटेड बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें रखी हुई थी किचन की, जो कि बहुत खूबसूरत सी लगती है। एंड इस तरह से जब डेकोरेट होती हैं स्टैंड में ना, तो उनकी खूबसूरती जो है ना, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। मैक्स स्टोर मैंने यहाँ का पूरा विजिट करा था, और जो ओथेम मॉल का मैक्स स्टोर है ना, तो वो बहुत बिग एरिया में बना है। इनका यहाँ पर बहुत सारा स्टफ़ रखा हुआ है, मतलब हर एक आइटम्स का, बट मैंने सिलेक्टेड ही आइटम्स के वीडियोज़ बनाए थे, क्योंकि मेरा थोड़ा सा ध्यान अपनी बेटी की तरफ भी था। और प्लेलैंड एरिया में बेटी जो है ना, वो हस्बैंड के साथ थी, तो मैं बस उनसे यही बोलकर आई थी कि मैं थोड़ी देर में आती हूँ, और अगर आपको लगे, अगर ये थोड़ा सा आपको परेशान करे, तो आप ही आ जाना उसको लेकर। खैर, वो खुद आ गए थे और बेटी को लेकर, और मैं जा ही रही थी यहाँ से, क्योंकि मुझे कुछ शॉपिंग तो करनी नहीं थी, और बिल्कुल भी मैं इस इरादे से नहीं आई थी, क्योंकि इधर बीच मैंने बहुत जल्दी जल्दी और बहुत सारी शॉपिंग कर ली थी। एंड ये जितने भी स्टोर्स हैं, जैसे कि रेड टैग है या सेंटर पॉइंट है, मैक्स है, तो मेरा शॉपिंग नहीं करने का एक पर्पस ये भी है, क्योंकि दिसंबर में फर्स्ट वीक में ही इनकी सेल प्राइस आ जाएगी, मतलब ये सेल प्राइस मेंशन कर देंगे। तो मैंने कहा कि अभी टाइम ही कितना रह गया है, तो जो भी शॉपिंग मुझे करनी होगी, तो मैं दिसंबर के फर्स्ट वीक में आकर देख लूँगी, और मुझे जो जो चीज़ें अच्छी लगेंगी, तो मैं बहुत सारी शॉपिंग करूँगी और आप सबके साथ भी सारे वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। बस जिस स्टोर भी हम लोग जा रहे थे, जहाँ भी हम विजिट कर रहे थे ना, तो बस स्टार्टिंग में ही जैसे ही हम लोग एंटर हो रहे थे ना, तो वहाँ पर बहुत सारी जैकेट्स ही जैकेट्स का हमको कलेक्शन देखने को मिल रहा था। तो बस जैसे हम मैक्स में भी एंटर हुए थे, तो यहाँ पर बहुत सारी जैकेट्स लगे हुए थे एंड बहुत अच्छा इनका कलेक्शन लगा हुआ था यहाँ पर जैकेट्स का। तो जिसको भी अगर जैकेट्स लेनी है विंटर्स के लिए, तो यहाँ पर ज़रूर विजिट करें, क्योंकि इनका जो जैकेट्स का कलेक्शन है, स्पेशली वुमेन्स का, तो बहुत अच्छा कलेक्शन आया हुआ है। एंड जो मेरा नेक्स्ट ब्लॉग एंड वीडियो होगा, तो वो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो मेरा जो नेक्स्ट ब्लॉग होगा, तो आप लोग ज़रूर वॉच करना। तो याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।